हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल ऑफ यू इन माय चैनल द इकॉनॉमिक्स गुरु अंडाली। और मैं हूं नकुल सर। आज का इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं औसत लागत यानी कि एसी एवं सीमांत लागत एमसी के बीच में संबंध, यानी कि एसी और एमसी के बीच में क्या संबंध पाया जाता है। क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम से 3 नंबर के अंतर्गत या 4 नंबर के अंतर्गत बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। क्वेश्चन कुछ इस तरह से आता है कि औसत लागत और सीमांत लागत में क्या संबंध पाया जाता है। तो चलिए आज समझते हैं इसके पूरे उत्तर को, बोर्ड एग्जाम में किस तरह से इसके आंसर को मिलेगी, पूरा का पूरा मार्क्स मिले। ग्राफ के साथ आपको बताऊंगा और पूरे के पूरे स्टेप टू स्टेप किस तरह से एग्जाम में लिखा जाएगा वो भी पूरी वीडियो को देखिएगा। अपने दोस्तों के बीच में खासकर शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए हम समझते हैं आज औसत लागत और सीमांत लागत में क्या संबंध पाया। तो क्वेश्चन है औसत लागत एवं सीमांत लागत में क्या संबंध है। तो इसको हम यूँ समझ सकते हैं, इसके संबंधों को एसी और एमसी, एसी का मतलब औसत लागत, एमसी का मतलब होता है सीमांत लागत के बीच संबंध दर्शाने वाले जो महत्वपूर्ण बिंदु है, इसको पॉइंट टू पॉइंट समझते हैं। सबसे पहला पॉइंट ये है कि दोनों अर्थात एसी और एमसी औसत उत्पादन और सीमांत उत्पादन की गणना उत्पादन की कुल लागत द्वारा की जाती है। यानी कि एसी और एमसी का जो कैलकुलेशन होना है, दोनों का कैलकुलेशन जो है कुल लागत यानी कि टीसी के थ्रू होना है। बिना टीसी के हम ना ही एसी निकाल सकते हैं और एमसी निकाल सकते हैं। ये पहला संबंध है। तो दोनों का जो फार्मूला बनता है कुछ इस तरह से बनता है, एसी इक्वल टू होता है टीसी डिवाइडेड बाय क्यू, यानी कि कुल लागत को उत्पादन की मात्रा से भाग कर दिया जाता है। यहाँ पर क्यू का मतलब होता है उत्पादन की मात्रा। और उसी प्रकार से जो एमसी का फार्मूला निकल कर आता है यानी कि सीमांत लागत का जो फार्मूला आता है वो है टीसीएन माइनस वन। ये वाला फार्मूला आपको मैंने पहले भी वीडियो में एक्सप्लेन किया था कि यहाँ पर एन का मतलब होता है यहाँ पर जो उत्पादन की मात्रा, मतलब इस उत्पादन की मात्रा पर कितना लागत है और उसके बाद वाले उत्पादन मात्रा में कितना, उससे पहले वाले में उसको माइनस कर दिया जाता है, तब जाके हमारा सीमांत लागत कैलकुलेट होके आता है। अब हम अगले संबंध को अगर बताएं तो उससे पहले हमें थोड़ा सा ग्राफ समझना पड़ेगा। ये है हमारा एमसी ग्राफ, ये है एसी ग्राफ, सीमांत लागत वक्र और एसी यानी कि औसत लागत वक्र का ग्राफ कुछ इस तरीके से बनता है। ग्राफ हमने देखा ब्लैक कलर में जो दिख रहा है ये हमारा औसत लागत वक्र है और जो ब्लू कलर की लाइन है ये हमारा सीमांत लागत वक्र है। इस ग्राफ में आप देखिएगा कि एसी कुछ इस तरह से जा रहा है और एमसी फिर बाद जाके नीचे से काटते हुए ऊपर की ओर जा रहा है। तो यहाँ से कुछ संबंध निकल के आता है जिसका पहला संबंध ये है कि आरंभ में जब एसी वक्र गिरता है, देखिए यहाँ पर एसी वक्र गिर रहा है, तो इसकी तुलना में जो है तब एमसी वक्र एक सीमा तक गिरता है, किंतु एक सीमा के बाद एमसी वक्र बढ़ना आरंभ हो जाती है यद्यपि एसी वक्र गिरता रहता है। मतलब क्या हुआ, अब देखिए ग्राफ में जो एसी वक्र है नीचे गिर रहा है, इसकी तुलना में एमसी वक्र जो है ज्यादा तेजी से गिरता है, लेकिन एक निश्चित सीमा तक आके निश्चित जगह पर आके ये ऊपर की ओर बढ़ना शुरू कर देता है। यानी कि यहाँ पर एसी जो है एमसी से ज़्यादा होता है। देन हम यूँ कह सकते हैं कि घटती औसत लागत की दशा में एमसी सदैव एसी से कम होती है, मतलब यहाँ पर एसी ग्रेटर देन एमसी होता है, यानी कि पहले स्टेज में, इस वाले स्टेज में हमारा एसी ज़्यादा होता है एमसी कम होता है। अब हम पॉइंट नंबर थ्री की बात करें। पॉइंट नंबर थ्री क्या कहता है कि जब एसी न्यूनतम होती है तब एमसी वक्र एसी वक्र को नीचे से काटता है, नीचे से काटता है एसी वक्र। अब यहाँ पर देखिए एसी वक्र ये है, अब एसी वक्र इस पॉइंट पे जो है बिल्कुल न्यूनतम है, बिल्कुल कम है। ऐसे में एमसी वक्र जब ऊपर की ओर एसी की तुलना में तेजी से ऊपर की ओर बढ़ता है तो एमसी वक्र एसी वक्र को काटता है। इस स्टेज पर जो है एमसी और एसी दोनों ही आपस में बराबर है, ये एक संबंध है। और लास्ट संबंध की अगर हम बात करें, जब एसी बढ़ता है, जब एसी बढ़ता है तो एमसी वक्र एसी से ऊपर होता है एवं साथ ही साथ एसी वक्र तीव्र गति से बढ़ता है। मतलब यहाँ पर हम समझें कि इस बिंदु के बाद जब एमसी ऊपर की ओर बढ़ चला जाता है तो एमसी अधिक तेजी के साथ ऊपर की ओर बढ़ता है, उसकी तुलना में एसी उसके नीचे ही रह जाता है। अर्थात यहाँ पर जो संबंध बनता है कि एमसी बड़ा हो जाता है और एसी कम हो जाता है, यानी कि एमसी इज ग्रेटर देन
एसी। तो ये कुल चार संबंध पाया जाता है एसी और एमसी के बीच में। आप इन संबंधों को अच्छे से समझिए, पढ़िए और एग्जाम में बिल्कुल सेम टू सेम आप इसी पॉइंट टू पॉइंट तरह लिखेंगे तो आपको एग्जाम में पूरे मार्क्स मिलेंगे। थैंक यू।